नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय गैरी फेलो। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। और ये टॉपिक जानने के बाद आप बोलोगे कि हाय राम, ऐसा भी होता है? तो भाई रुको, यहाँ पे वीडियो स्किप मत करना, जो मैं बता रहा हूँ चुपचाप सुन लो, क्योंकि बाद में अगर पछताओगे तो मेरे को मत बोलना कि भाई आपने बताया नहीं और ऐसा ऐसा हो गया। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब, हाँ 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 देखो अब। देखिए, ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। सेब तो आप हर दिन खाते होगे, आए दिन खाते होगे, क्योंकि हर डॉक्टर ये बोलता है कि अगर आपको हमसे दूर रहना है तो डेली एक एप्पल खाओ। अगर एप्पल नहीं खाओगे तो फिर बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, क्योंकि एप्पल एक इकलौता ऐसा फल है जो पूरे साल मिलता है, हर तरफ मिलता है, जहां पे भी जाओगे इजिली अवेलेबल होता है। और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स या फिर जो भी बॉडी को नीड है वो सारी चीजें अवेलेबल होती है। लेकिन यहाँ पे एप्पल के अंदर एक और चीज होती है जो है बहुत कमाल की, और वो है जहर। जहर मतलब, कभी आपने सोचा कि एप्पल के अंदर जहर होता है? नहीं, शायद आपको ये बात पता ना हो। तो चलिए फिर जानते हैं आज इस वीडियो में कि ऐसी क्या चीज होती है एप्पल के अंदर जो बन जाती है जहर, और एप्पल जो कि आपको बहुत अच्छा हेल्थ देता है वहीं पर दूसरी तरफ आपको मौत भी दे सकता है। तो ये है दोस्तों यहाँ पे एप्पल, इसको हम करते हैं अलग। तो यहाँ पे जो लोग सेब खाते हैं वो खाते हैं दो तरीके से, कुछ लोग ऐसे वाले सेब खाते हैं, कुछ लोग ऐसे वाले सेब खाते हैं। अगर आप ये वाला सेब खाते हो जिसमें एक भी बीज नहीं है, मतलब कोई भी चीज नहीं है, तो इट्स ऑल गुड। अगर आप ये वाला एप्पल खाते हो जिसके अंदर बीज ही बीज भरी हुई है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि जब भी आप एप्पल को खोलते हो तो उसके अंदर होती है एप्पल की सीज, और उस सीज के अंदर होती है एमाइक्लिन कॉम्पोनेंट। तो बेसिकली जब आप एप्पल खाते हो तो नॉर्मली एप्पल खा रहे हो, आप सिर्फ एप्पल खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एप्पल के साथ इतने कंजूस हो गए हो कि उसकी बीजें भी चबा जा रहे हो, तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ पे। क्योंकि एप्पल की जो बीज होती है उसके अंदर में, जैसा मैंने बताया, एमाइक्लिन होता है। वो जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है और जब आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम से मिक्स होता है, तो आपके पेट के अंदर वो साइनाइड केमिकल प्रोड्यूस कर सकता है। अब आप साइनाइड नहीं जानते तो मैं बता दूं आपको कि साइनाइड दुनिया का सबसे जहरीला कॉम्पोनेंट है जिसको मारने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी बंदे को, किसी भी जीव जंतु को, और ये सब पे काम करता है, इसलिए इसको ट्राई मत करना। तो भाई साइनाइड आपको इजिली अवेलेबल होगा नहीं, तो यहाँ पे आपको दुश्मनी निकालनी है। तो एप्पल काम कर सकता है क्योंकि ऐसा आपने मूवी में भी देखा होगा, लेकिन ये मत बताना कि मैंने बताया आपको कि एप्पल की जो बीजें होती है उससे आप किसी को मार सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जो मुद्दे की बात ये है, जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है दोस्तों, कि आप एप्पल खाते हो तो बहुत ध्यान से खाओ। अगर आप एप्पल किसी बच्चे को दे रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें एप्पल के साथ एप्पल की जो सीड्स हैं, जो बीजे हैं, वो उस बच्चे के अंदर ना जाए। यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिए, अगर आप एप्पल खा रहे हो और बीज डायरेक्टली अंदर चली गई तो नो इशू, वो डायरेक्ट अंदर होते होते निकल जाएगा बाहर। लेकिन अगर आपने एप्पल की बीजों को चबा लिया, मतलब दांतों से चबा लिया, तो उसके अंदर जो केमिकल है वो रिलीज हो जाता है और इसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर आ सकती है प्रॉब्लम। तो कुछ बीजें खाओगे, मतलब दिन की आप 3-4 एप्पल खा रहे हो और बीज के साथ खा रहे हो, तो आपको थोड़ी बहुत चक्कर वक्कर आ सकते हैं, तबीयत हल्की फुल्की खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी क्वान्टिटी में एप्पल की सीड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे काम करेगा साइनाइड का, और ये ले सकता है आपकी जान। तो मेक श्योर कि आप अगर एप्पल किसी को भी खिला रहे हो, किसी भी बच्चे को दे रहे हो, तो वहां पे जो एप्पल की सीड्स हैं वो उनसे दूर रहनी चाहिए। भाई यहाँ पे दुनिया वाले सोचते हैं कि एप्पल सबसे अच्छी चीज है, डेफिनेटली ये अच्छी चीज है, लेकिन ये तब तक अच्छी चीज है जब तक आप इसे सावधानी से खाते हो। क्योंकि बोलते हैं ना कि हर चांद पे एक दाग होता है, तो यहाँ पे एप्पल के अंदर भी ये जो दाग है ना, ये बहुत कमाल की चीज है। मेक श्योर कि आप ये दाग से दूर रहें, एप्पल खाएं, एप्पल की बीजों को ना चबाएं, क्योंकि एप्पल के बीज चबाओगे तो बहुत ही जल्दी ऊपर जाओगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ आप ये समझ गए होंगे कि एप्पल किस तरीके से खाना चाहिए। अगर नहीं समझे तो आप ट्राई करके देख लो, एट योर ओन रिस्क, नॉट एट गैरीज रिस्क। और उसके साथ ही वीडियो को शेयर कर दो सबके साथ, अच्छी लगे तो लाइक कर दो, कमेंट जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो आगे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।